Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 6, water resources. Very easy chapter. General cheeze hai, but we should understand why are we studying this chapter again and again. Somewhere, we now need to understand the importance of water. And we have to do something related to scarcity. कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि इसकी जो डिग्रेडेशन हो रही है, जो हम इसका मिसयूज कर रहे हैं, उसको रोका जाए, वाटर पॉल्यूशन को कम किया जाए. अदरवाइज ऑब्वियसली फ्यूचर जेनरेशंस एंड ऑब्वियसली प्रेजेंट जेनरेशन एज वेल एज दी फ्यूचर जेनरेशन, आप लोग, हम लोग, सब लोग, वी ऑल विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो इट इज बेटर वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. नाउ कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, we did talk about the availability of water all around the world, but then we know only a very little percentage of it is usable for us, fit for using. हमने सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ा था. हमने वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, स्पेशली रिलेटिंग टू इंडिया, जहाँ पे हमने देखा था कि मेन अपने एग्रीकल्चर में ही इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर यूज होता है. एंड स्पेशली ग्राउंड वाटर से रिलेटेड पढ़ा था कि कैसे वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड कि ग्राउंड वाटर का भी लेवल डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए उसको, उसके प्रिजर्वेशन और बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है. देन इसके बाद हमने पढ़ लिया था रिगार्डिंग द काइंड ऑफ वाटर पॉल्यूशन, द काइंड ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स दैट आर बींग witnessed all around surface water में, ग्राउंड वाटर में तो है, पर सर्फेस वाटर में रिवर कैसे पॉल्यूटेड हो रही है, उसकी क्या reasons है, and what should be done. This is what we were talking about in our last class. So we did talk about the water pollution and we did talk about the water conservation and the management. So here we'll now start with the topic. So we did talk about the water conservation and management, that this, there is obviously a deep need, you can say urgent need for us to understand for the conservation of water, or jitna available hai usko manage kaise karna hai. This is something that we just talked about in our previous class. हमने देखा था कि high cost होता है desalinization का, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो water इतना ज्यादा ocean और sea में available है वो actually में feasible नहीं है अपने अपने लिए use करने के लिए. तो जितनी भी pollution या जितना भी degrade हो रहा है water, वो हमें उनको conserve करना जरूरी है, ये pollution stop करना जरूरी है, water saving technologies introduce करने की जरूरत है हमें, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम water conservation और sustainable water का usage कर सकते हैं. So now we will talk about the prevention of water pollution. So now we study each of the topics in detail, where we'll be talking about the, you can say, jo hamare conservation kaise karna chahiye aur jo pollution, increasing pollution hai, usko kaise hame control karna chahiye. To start with, let us just go through the type of steps that has been taken by the government and various other institutions to stop the water pollution. हमें पता है जितना भी वाटर रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है. क्वालिटी जो वाटर की है वो खराब होती जा रही है. हमने पढ़ा था इसका मतलब क्या है, जो अनवांटेड फॉरेन एलिमेंट्स है, जो मैटर है, वो मिक्स हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. तो जितनी भी हमारी मेजर रिवर्स हैं कंट्री की, जनरली उनकी जो क्वालिटी है पानी की वो डिग्रेड होती जा रही है. जनरली जो मेजर रिवर्स है हमारी कंट्री की, बेटर क्वालिटी उस एरिया में मेंटेन रहती है पानी की जहां पे पॉपुलेशन कम हो. तो स्पेशली कौन सी जगह होती है, जो हिली एरियाज में अपर स्लोप्स पे एरिया होती है, अपर स्ट्रेचेस जो होती है हिली एरियाज की, वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, इसीलिए जो वेस्ट है वो कम डंप किया जाता है इन रिवर्स में. दैट इज व्हाई दे आर क्वालिटी वाइज मच बेटर देन द रिवर्स व्हिच आर फ्लोइंग थ्रू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज.
सो अगर हम देखें प्लेन एरियाज में जो रिवर वाटर है वो इंटेंसली इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है और बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें वाटर का यूज बहुत जरूरी होता है। इस तो इनसे क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है और स्पेशली जो ड्रेन सपोज एग्रीकल्चर एरिया से जा रही है और उस एग्रीकल्चर फील्ड से जो वाटर फाइनली बाहर की तरफ जाते हैं जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मिक्स्ड है, इंसेक्टिसाइड्स मिक्स्ड है, पेस्टिसाइड्स मिक्स्ड है, केमिकल अगर हम बोलेंगे बहुत ज्यादा मिक्स्ड है, और वो फाइनली ऑब्वियसली जाके मिलेगा दूसरी वाटर बॉडी से, तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूट होगा ही होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा उसमें डंप किया जाता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, दे आर फुल ऑफ केमिकल्स, दे आर बीइंग डायरेक्टली डंप्ड इनटू द वाटर बॉडीज, द रिवर्स, एंड जनरली नॉट ओनली दीज इंक्लूड लॉट ऑफ केमिकल्स, बट यू मस्ट हैव स्टडीड समवेयर और यू मस्ट हैव हर्ड कि इनका जो वाटर डंप किया जाता है बहुत बार बहुत ज्यादा क्या होता है, हीटेड अप होता है, बॉइल्ड होता है। सो उससे भी जो वाटर है उसकी क्वालिटी में और स्पेशली जो मरीन लाइफ है उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्योंकि चाहे इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर, जो ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स मिक्स हो रहे हैं इनमें, चाहे डोमेस्टिक पर्पस हो या और कोई भी तरीके से, इन रिवर्स में कंटिन्यूअसली ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन रिवर्स स्पेशली रिमेन्स वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन, when the flow of water is very slow. summer season के time पे generally जो water का flow है comparatively बहुत slow होता है, जिसके कारण water जो है वो ज्यादा polluted हो जाता है, ठीक है। so obviously there are certain steps that are being taken obviously because the need was there. सबसे पहले हम बात करेंगे about the central pollution control which works in collaboration with the state pollution control boards, यानी central pollution control board है, साथ में इनके काम कौन करते हैं, state pollution control board, obviously क्यों, per state wise जो भी river flow कर रही है जितना water pollution को correct करने की कोशिश कर रहे हैं, that अगर वो they go in hand with the central pollution control तो obviously वो better form में होगा, कि central उनको कुछ suppose suggestion देती है, advice देती है, कुछ काम देती है, certain task relating to their state or state pollution उसके according जो है steps लेती है, whatever is to be done regarding the to reduce this water pollution. So, हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये लोग मॉनिटर यानी कि चेक करते हैं वाटर क्वालिटी का, कौन कौन सी नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट अराउंड 507 स्टेशन, ठीक है। तो स्टेट वाइज ये लोग चेक करते हैं इन एंड दे आर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी डेटा ऑब्टेन होता है उससे ये लोग ये पता करते हैं कि वाटर में कितने ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो मिक्स हैं और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कितना हुआ है, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी जब पॉल्यूशन होगा, डर्ट उसमें थ्रो किया जाएगा, वेस्ट मटेरियल थ्रो किया जाएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन क्या, मिक्स मिक्सिंग ऑफ अनवॉन्टेड चीजें, हम बोलेंगे जो वेस्ट मटीरियल है या जो सही नहीं है, कभी कभी टॉक्सिक भी होते हैं, तो ये कंटेमिनेशन मिक्सचर ऑफ वेस्ट मटीरियल या अनवॉन्टेड मटीरियल, तो कितना ऑर्गेनिक मटीरियल उसमें मिक्स हुआ है, कितना बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हुआ है, इसको वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये मेन सोर्स है जिसके कारण हमारी रिवर्स ज्यादा पॉल्यूट हो रही है। अगर हम देखना चाहें द नेम ऑफ द रिवर्स विच आर मोस्ट पॉल्यूटेड, हमें वैसे पता है गंगा, यमुना एंड ऑल ऑफ दीज जनरली अपने नॉर्थ इंडिया में जो फ्लो करती है। सो यमुना रिवर जो है इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा रीजन, दिल्ली और इटावा रीजन के बीच में यमुना रिवर जो फ्लो करती है इतने एरिया में सबसे पॉल्यूटेड है। इसके अलावा और बहुत सारी पॉल्यूटेड रिवर्स है, साबरमती अहमदाबाद में है, गोमती लखनऊ में है, काली अदियार में है, देन
समय हमें हमारे यहाँ पे मदुरई में वेगई है, हैदराबाद में मुसी रिवर है, गंगा रिवर कानपुर और वाराणसी में जो है कुंभ करके एक एंटायर स्ट्रेच है इस एरिया का। तो समवेयर हम देखेंगे नॉर्थ साउथ सब जगह पे पॉल्यूशन है। ओके, साबरमती, गोमती, काली, हमारे पास अदियार कुंभ, जो वेगई रिवर है मदुराई में, हैदराबाद में मुसी और गंगा रिवर, ये बहुत ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड है ऑब्वियसली अलोंग विद आवर यमुना रिवर। इसके साथ साथ ये तो रिवर्स की बात हो गई, पर हमें पता है ग्राउंड वाटर भी बहुत अपने को सप्लाई करता है, यूजेबल वाटर, द वाटर फिट फॉर ह्यूमन यूज। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो है वो हमें पता है इसीलिए ज्यादा हुआ है, हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लासेस रिगार्डिंग द टॉक्सिक मटेरियल जो मिक्स हो जाते हैं, फ्लोराइड कंटेंट जो मिक्स हो जाता है, नाइट्रेट कंटेंट जो मिक्स हो जाता है, एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें मिक्स हो जाती है। सो इन सबको कैलकुलेट किया जाता है, इनका एक ट्रैक रखा जाता है, एंड देन इनको कैसे कोशिश करना है कि इनका जो प्रिवेंशन है, जो पॉल्यूशन है उसको हम क्या करें, उसको हम try to reduce it some and then somehow try to totally कोशिश करें कि pollute हो ही ना रिवर। ठीक है, तो ये तो एक हमने देखा कौन सा board form हुआ जो इसके लिए काम करता है, let us talk more about it। Moving on to the next thing, जो legislative provisions बने हैं कुछ कुछ relating to water, यानी legally कुछ जो steps लिए गए हैं to try to prevent the water pollution and control it, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो हमारा है एक्ट ऑफ 1974, ठीक है, देन वी हैव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इंप्लीमेंट हुए हैं और बहुत इफेक्टिव है, बहुत इनके अच्छे कंपैरेटिवली रिजल्ट्स भी आए हैं। द रिजल्ट इज दैट इन 1997 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड अलोंग द रिवर एंड लेक्स। ओके, तो मतलब ऐसी जो इंडस्ट्रीज थी उनको ऑब्वियसली दे वर टेकन अंडर द कंट्रोल एंड दे वर ये देखा जा रहा था कि पॉल्यूशन स्प्रेड ना हो। देन उसके बाद हम देखेंगे वाटर सेस एक्ट 1977, इससे भी क्या हुआ था, ये इसलिए हुआ था ताकि जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए, एंड समवेयर इसका भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, मार्जिनल, इतना ज्यादा नहीं हुआ, बट इट इज रियली इफेक्टिव। देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू जेनरेट, अब देखो क्लास ये तो हो गए कि हमने बोला कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। ओके, एंड अगर हम देखें कि स्टेप इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, बट एक चीज हमें यहाँ पे बहुत समझनी जरूरी है, एंड फॉर एवरी टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल या एनवायरमेंटल फैक्टर, हम हमेशा बोलते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हाई डू वी से दैट पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जस्ट मेकिंग लॉज will not be that effective, simply because until and unless each and every one of us understand ki kya uska impact ho raha hai, and we should actually work in our own way to try to conserve it, tab tak kuch nahi hoga, theek hai। So yahan pe they are saying this only that there may be several steps that is being taken by the government, there are certain acts that have been passed, and then isse related humne ye bhi dekha hai ki bahut beneficial bhi tha in certain terms ki polluting industries were located specially along the rivers 1997 mein ki kaun kaun si industries hai jo sabse zyada pollute ki kar rahi hain, and isse related you obviously unke upar action liya gaya tha। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, बट पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमें अपनी तरफ से काम करना है, वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हमें ये पता होना चाहिए वाटर पॉल्यूशन इम्पैक्ट क्या होगा इसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पे ही होगा। पब्लिक अवेयरनेस अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि जो भी हम वेस्ट डंप कर रहे हैं वाटर में, वी थिंक बिफोर डूइंग दैट कि हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर पोल्यूटिंग द
वॉटर बॉडीज, चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऐसी करो. रिसेंटली आई सपोज यू पीपल ऑल्सो मे बी नोइंग कि बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जिसमें केमिकल्स यूज ना हो. सो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े वॉटर पे, पॉल्यूटेंट्स इस टाइप के डंप ना हो. डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी इस टाइप से होना चाहिए ताकि जो वॉटर है उस पर पॉल्यूशन ना हो. You should think before you can say dumping certain things involved, whether they are involved regarding your domestic things or industrial discharge, to proper treat karke hi dump karna chahiye. These are certain laws that people should follow and just not try to just move away from it. Bahut tarike hai, we will think ki kaun dekh raha hai, kaun kar raha hai, ek ke karne se kya hoga. If these sort of things continue, then obviously pollution kam nahi hoga. So public awareness is really important regarding what are the things that we are doing and how are we playing our part to put certain improvement in reducing the pollution and try to bring improvement in the kind of water that is available for us. ठीक है, तो जब हम यही बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, let us also talk about the next topic which is recycle and reuse of water. One of the most, you can say, easy way and the most effective way है वॉटर को रिसाइकल एंड रीयूज करना. बिकॉज जितना भी हमारे पास वॉटर, फ्रेश वॉटर अवेलेबल है, इट शुड बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड. तो वॉटर यूज रिडक्शन, अगर हम रिड्यूस करेंगे उसको रिसाइकल करेंगे, तो जितना अवेलेबल वॉटर है उसकी यूसेज जो है वो एकदम हम बोलेंगे बेस्ट यूज होगा. वेस्ट नहीं कर रहे हैं वॉटर. अगर हम वॉटर को लेस क्वालिटी, बेसिकली यूज ऑफ वॉटर ऑफ लेस क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वेस्ट वॉटर वुड बी अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस द वॉटर कॉस्ट. क्या मतलब है इसका? ऐसा पानी जो कि क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, पर वो हमें ऐसे डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं करना है यूज, तो उसको हम ऐसे दूसरे यूज के लिए कर सकते हैं. जैसे कि जो इंडस्ट्रीज हैं, एज आई सेड कि बहुत बॉइलिंग वाटर उनको डंप करना है, तो उसको कूल करने के लिए ऐसे वाटर को यूज कर सकते हैं, जो भी मटेरियल को हम कूल करते हैं. फायर फाइटिंग से रिलेटेड, क्योंकि उसमें तो डायरेक्टली वाटर कंज्यूम नहीं हो रहा, तो वहां पे हम ऐसा वाटर जो क्लेम किया गया है, जो ऑब्वियसली इक्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, वेस्ट वाटर जो है उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि अपना फ्रेश वाटर जो है वो उस चीज के लिए यूज ना हो. सिमिलरली अर्बन एरियाज में जब बेदिंग होती है जिस पानी से, या सपोज आपने यूटेंसिल्स जिस पानी से वॉश किया है, उसी पानी को आप वाटर की गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू कि और भी बहुत यूसेज है, जैसे वॉशिंग व्हीकल जो है वो वाटर भी आप गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हो. आरओ से जो पानी कंटिन्यूस ड्रिपिंग करता है वो आप अपने प्लांट्स को वाटर देने के लिए यूज कर सकते हो. देन अलोंग विद दैट आपके एसी जो होते हैं उसमें से भी वाटर कंटिन्यूस ड्रिपिंग करता है, उस वाटर को हम कलेक्ट भी करते हैं, दैट कैन ऑल्सो अगेन बी यूज फॉर बेसिकली वॉटरिंग द प्लांट्स और एनी अदर काइंड ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, जिसमें हम जैसे क्लीनिंग पर्पसेस, हाउस क्लीनिंग और इन सब के लिए हम ये पानी यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें रीयूज इस टाइप से करना है, रिसाइकल वाटर इस टाइप से करना है, ताकि क्या हो, जो फ्रेश वाटर है उसका कम से कम जितना हो सके हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और वेस्ट ना करें. करेंटली जितना भी रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है बहुत लिमिटेड स्केल पे है. वी नीड टू इंक्रीज इट बिकॉज इनॉर्मस स्कोप है हमारे पास रिप्लेनिश करने का वाटर थ्रू रिसाइकलिंग. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी शुड टेक केयर एंड वी शुड प्ले आवर पार्ट इन द, यू कैन से, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ट्राइंग टू स्टॉप इट्स डिग्रेडेशन एंड ट्राइंग टू रिड्यूस द वेस्ट यूज. तो बेस्ट यूज करना है, रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, पॉल्यूशन नहीं करना है. दिस इज हाउ वी डू द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड स्टॉप द पॉल्यूशन. सो यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ हमने चीजें पढ़ी है. इसके अलावा वॉटरशेड मैनेजमेंट इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट वे इन विच वी कैन एक्चुअली मैनेज द वॉटर इन सच अ वे कि वॉटर कंजर्वेशन हो.
Rainwater harvesting is again an important way through which we can reuse the rainwater and again work for the water conservation. Okay, so these are the topics that we'll be doing in our next class. And so specifically, agar hum dekhe, we'll be talking about the watershed management and we'll be talking about the rainwater harvesting. And then within a maybe a day or two, we'll be able to complete the chapter. Okay, so this is it for today class. I think aaj itna bhi humne kiya hai is a very easy topic, general topic. And still, if you have any doubt, do come back with your doubts. We discuss and solve it. But give this portion a reading so that if you have a doubt, you can come back with your doubts. Okay. So now we'll meet in the next class.